नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सदन में अचानक ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर भाजपा की एमएलसी भी रोने लगी। ऐसे में सीएम का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वे जमकर ट्रोल होने लगे। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का फोटो शेयर करते हुए लिखा, हां हां क्यों नहीं, इसका आका भी कभी आसाराम के चरणों में तो कभी गुरु राम रहीम के चरणों में लेट कर ऐसा ज्ञान पाया कि अपने मुख्यमंत्री काल में नाबालिग बहन बेटियों की जासूसी किया करता था। वर्ल्ड कप में मोहम्मद समी ने शानदार गेंदबाजी कर 4 मैचों में 16 विकेट लेकर खुद को साबित कर दिया, लेकिन इसी बीच उनकी पत्नी हसीन जहां ने एक बार फिर से क्रिकेटर के ऊपर गंभीर और बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की तरह किसी बड़ी हीरोइन से शादी करना मोहम्मद समी का सपना है। हसीन जहां ने आगे कहा कि समी के पहले भी कई महिलाओं से संबंध रहे हैं, अब वो हार्दिक पांड्या और विराट कोहली की तरह किसी बड़ी हीरोइन से शादी करना चाहते हैं। समी अब ग्लैमर का जीवन जीना चाहते हैं। समी ने मुझे धोखे से अपने प्यार में फंसाया है। मलेशिया के विदेश मंत्री जाम्बड़ी अब्दुल कादिर ने कहा कि मलेशिया भारत और समान विचारधारा वाले अन्य देशों को इसराइल हमास युद्ध समाप्त कराने में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय गाजा का मानवीय संकट व्यापक चिंता का विषय है। भारत के 3 दिनी दौरों पर आए कादिर ने कहा कि गाजा में युद्ध तत्काल रुकना चाहिए और प्रभावित तक सहायता पहुंचाने के लिए मानवीय गलियारा जल्दी खोला जाना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश में शिल्पकारों और कारीगरों की मदद के लिए पहला स्वदेश स्टोर खोला है। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने इस स्टोर का उद्घाटन तेलंगाना के हैदराबाद में किया है। इस स्टोर के जरिए रिलायंस की कोशिश है कि वह देश के सदियों पुराने शिल्प कला को वैश्विक स्तर तक ले जाने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करे। रिलायंस के स्वदेशी स्टोर में पारंपरिक कारीगरों के सामान को बिक्री के लिए रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकारी युवाओं के बीच स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की योजनाओं की शुरुआत की है, जिसका असर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजर आने लगा है। धीरे धीरे भारत अब इनोवेशन का हब बनता जा रहा है। चीन और अमेरिका जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए पेटेंट रजिस्ट्रेशन में भारत ने कई कीर्तिमान बनाए हैं। साल 2022 में भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने कहा, भारत में पेटेंट एप्लीकेशन में हुई बढ़ोतरी हमारे युवाओं की बढ़ती इनोवेटिव लगन को दिखाता है। ये आने वाले दिनों का एक बेहद सकारात्मक संकेत है। गोवर्धन पूजा के बाद शादी विवाह का सीजन यानी शुभ लगन मुहूर्त शुरू हो रहा है। पुलिस पब्लिक फ्रेंडली को और बेहतर बनाने की दिशा में गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने इस पहल की शुरुआत की है। ग्रामीण इलाके में होने वाले शादियों में खास नजर रहेगी। इसके तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम, बारातियों के ठहरने और बारात का रूट पुलिस तय करेगी। एसपी ने बताया कि लड़की की बारात आएगी तो वहां पुलिस की गश्ती दल मौजूद रहेगी। आयोजकों को थाने पर पहले निमंत्रण देना होगा। उन्होंने कहा कि समाज में इसके परिणाम भी बेहतर आएंगे। यूएस द्वारा 2024 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया की लिस्ट जारी हो गई है। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे समेत हायर एजुकेशन के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग टॉप एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की 148 यूनिवर्सिटीज शामिल है, जिसमें कुल 856 यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है। वहीं चीन 133 यूनिवर्सिटीज के साथ दूसरे स्थान पर और जापान 96 यूनिवर्सिटीज के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। हर साल देश के मेडिकल कॉलेजों में खाली रहने वाली चिकित्सा शिक्षा सीटों को लेकर जल्द ही समाधान मिलने वाला है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने काउंसलिंग प्रक्रिया में बदलाव प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि छात्रों को प्रवेश के समय सहजता रहने के साथ साथ हर साल रिक्त रहने वाली सीटों का इस्तेमाल किया जा सके। चिकित्सा शिक्षा को लेकर काउंसलिंग की प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए पहली बैठक बुधवार को दिल्ली के एनएमसी मुख्यालय में हुई। पैसा लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एथिक्स कमेटी ने महुआ को संसद से निष्कासित करने की सिफारिश की। एथिक्स कमेटी ने महुआ के आचरण को आपत्तिजनक, अनैतिक, जघन्य और आपराधिक माना है। साथ ही केंद्र सरकार से इसकी समयबद्ध तरीके से गहन कानूनी संस्थागत जाँच की सिफारिश की। कमेटी ने कहा कि महुआ मोइत्रा और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के बीच नकद लेन देन की जाँच केंद्र द्वारा की जानी चाहिए। स्विट्जरलैंड ने प्रतिभा को आकर्षित करने और उन्हें अपने यहाँ बनाए रखने में सबसे अव्वल देश है। मानव संसाधन के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़े लोग स्विट्जरलैंड के में करियर बनाना और वहाँ सेटल होने का प्राथमिकता देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड ने इस मामले में एक दशक से अपना दबदबा बरकरार रखा है। स्विट्जरलैंड का नाम आते ही हम सभी के दिमाग में सबसे पहले खूबसूरती और पर्यटन का ख्याल आता है, लेकिन कर्मचारियों को सैलरी देने के मामले में भी यह देश दुनिया के टॉप देशों में से है। बिहार में भी औद्योगिकरण शुरू हो गया है। अब यहां के लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए पहल की जा रही है। इसी कड़ी में बिहार के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण का काम शुरू हो गया है। इससे अब यहां के युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पटना में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन भी किया है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण को बचाने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है और इस दिशा में यह पहला सराहनीय है। पैसा लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि लोकपाल ने उनकी शिकायत के आधार पर आरोपी सांसद मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। संसदीय आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा था कि व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एथिक्स पैनल को दिए अपने 3 पेज के हस्ताक्षरित हलफनामे में दर्शन हीरानंदानी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ अपनी दोस्ती को स्वीकार किया था और दावा किया था कि लोकसभा सदस्य ने अदानी समूह पर हमला करने को प्रसिद्धि के मार्ग के रूप में देखा।
इसराइल के निर्माण उद्योग ने कथित तौर पर सरकार से कंपनियों को 90,000 फिलिस्तीनियों के स्थान पर भारत से 1,00,000 श्रमिकों को काम रखने पर अनुमति देने के लिए कहा है। गौरतलब है कि इसराइली निर्माण क्षेत्र में इस समय श्रमिकों की कमी से जूझ रहा है और 7 अक्टूबर को इसराइल पर फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद से इसराइल अपने यहाँ काम कर रहे फिलिस्तीनी कामगारों को भगा रहा है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र काफी बड़ा है। इसमें करियर बनाकर लाखों रुपए महीने की कमाई आसानी से की जा सकती है। अब स्कूल सिलेबस में भी एआई कोर्स को अनिवार्य रूप से शामिल किया जा रहा है। 12वीं के बाद भी इंजीनियरिंग व आईआईटी स्टूडेंट्स के साथ ही नॉन आईटी बैकग्राउंड वालों को भी एआई से जुड़े विषय पढ़ाए जाएंगे। स्कूलों में कुल 60 घंटे एआई कोर्सेज की पढ़ाई करवाई जाएगी। इन्हें क्लासेस के हिसाब से बांटा जाएगा। देखिए स्कूल में अलग अलग क्लास के लिए एआई के किन टॉपिक्स को वरीयता दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में विदेशी यूनिवर्सिटीज कैंपस शुरू करने और उनके संचालन के लिए नियमों की घोषणा की है। नियमों के मुताबिक भारत में कैंपस शुरू करने के लिए विदेशी विद्यालयों को दुनिया के टॉप 500 यूनिवर्सिटी की लिस्ट में शामिल होना होगा। यूजीसी का कहना है कि विदेशी विश्वविद्यालय चाहे तो भारत में एक से अधिक कैंपस शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अलग से आवेदन करना होगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नियमों के मुताबिक भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस में फैकल्टी और कर्मचारियों की भर्ती यूजीसी के भर्ती मानदंडों के तहत की जाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी करके मानव तस्करी नेटवर्क के बारे मॉड्यूल पर प्रहार करते हुए 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस बलों के साथ समन्वय में बुधवार को सुबह भारत के कई राज्यों में एक व्यापक अभियान चलाया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध प्रवासियों की घुसपैठ और भारत में बसने में शामिल अवैध मानव तस्करों सहायता नेटवर्क को खत्म करना है। अमेरिका के एक पूर्व वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने बुधवार को कहा कि अमेरिका भारत के रक्षा संबंध सही दिशा में है और वह 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि दोनों पक्षों ने इसे और आगे बढ़ाने पर कितना महत्व दिया है। भारत और अमेरिका शुक्रवार को यहां 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता के अगले संस्करण में अपनी तेजी से बढ़ते रणनीतिक रिश्तों की व्यापक समीक्षा करेंगे। स्वीडन की प्रसिद्ध डिफेंस और एयरोस्पेस कंपनी साब ने भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी हासिल कर ली है। यह एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली यह पहली विदेशी फर्म है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह ऐतिहासिक निर्णय भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षण है। साब FFB इंडिया के नाम से एक नई कंपनी रजिस्टर की गई है जो कार्ल गुस्ताक M4 सिस्टम के लेटेस्ट जनरेशन वाले रॉकेट लॉन्चर के उत्पादन की देखरेख करेगी। डोमेस्टिक एविएशन मार्केट की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की परेशानी बढ़ गई है। इंडिगो के 40 एयरक्राफ्ट अगली तिमाही से शायद उड़ान नहीं भर पाएंगे। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इंजन देने वाली कंपनी प्रैट एंड व्हिटनी से इंजन पाउडर मेटल के मुद्दे के कारण जनवरी से मार्च की तिमाही में इंडिगो के 35 विमानों का संचालन बंद हो जाएगा। प्रैट एंड व्हिटनी के इंजन में आ रही समस्या की वजह से एयरलाइन के करीब 35 से 40 विमान पहले से ही ग्राउंडेड हैं। अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना ने जब अग्निवीरों की भर्ती की तो उनके आकलन की क्राइटेरिया रेगुलर सैनिक से ज्यादा टफ बना दिया गया। पहले साल में से लेकर चौथे साल तक आकलन के बाद ही तय किया जाना है कि अग्निवीर में से कौन सेना में स्थायी यानी रेगुलर होगा। सेना ने अब पॉलिसी में बदलाव कर अग्निवीर और रेगुलर सैनिक की योग्यता का आकलन करने का क्राइटेरिया एक जैसा किया है। इस बारे में सेना के AG ब्रांच की तरफ से 31 अक्टूबर को नई पॉलिसी जारी की गई। हालांकि इस बीच अग्निवीर का पहला बैच ट्रेनिंग पूरी कर अपनी यूनिट्स में पहुंच गया है, यानी उनके पहले साल की योग्यता का आकलन पुरानी पॉलिसी यानी टफ क्राइटेरिया के हिसाब से ही किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जांच एजेंसियों द्वारा दुरुपयोग को रोकने के लिए पत्रकारों के डिजिटल उपकरणों को जब्त करने के लिए उचित दिशा निर्देश होने की जरूरत है। लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अनुचित दखल के खिलाफ सुरक्षा उपाय देने और डिजिटल उपकरणों की तलाशी और जब्ती के लिए व्यापक दिशा निर्देश बनाने की मांग की थी। 6 महीने से जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में मंगलवार सुबह कुकी जोमी समुदाय के 5 सदस्यों का कुकी जोमी प्रभुत्व वाले कांगो पाकोपी और मेईतेई प्रभुत्व वाले इम्फाल पश्चिम जिले की सीमा से अपहरण कर लिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार अपहरण 5 लोगों में से 4 की पहचान एक सैनिक के परिजनों के तौर पर हुई है। अपहरण में शामिल हथियारबंद लोगों के साथ गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने अपहरण व्यक्तियों में से एक को बचा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित लोगों को केवल उनके राजनीतिक संबंधों या अदालत में सरकार के खिलाफ मामला लड़ने के कारण चुनिंदा रूप से नजरअंदाज न करे। द हिंदू के मुताबिक जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ ने मंगलवार को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि सरकार को इस बात को समझना होगा कि 40% राज्य विपक्षी दलों द्वारा शासित है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कहा कि कार्यस्थलों पर किसी भी रूप में यौन उत्पीड़न को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें एक महिला अधीनस्थ द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में सेवा चयन बोर्ड के एक पूर्व कर्मचारी की 50% पेंशन रोकने के आदेश को रद्द कर दिया गया था। मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर करीब 15,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तक समेत 32 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। माटुंगा पुलिस के अधिकारी के अनुसार 2019 से अब तक धोखाधड़ी करने के लिए ऐप प्रवर्तक सौरभ चंद्राकर एवं मुख्य आरोपी रवि उपल और शुभम सोनी और अन्य के खिलाफ मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई।
महिलाओं पर विवाद बयान को लेकर सवालों में घिरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को माफी मांग ली है। सीएम नीतीश ने कहा कि अगर मेरा बयान किसी को गलत लगा तो मैं माफी मांगता हूं। मेरा बयान महिला उत्थान के संदर्भ में था और उनकी बेहतरी के लिए था। नीतीश कुमार ने विधानसभा में सेक्स एजुकेशन को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद विपक्ष दलों पर उन पर तीखा हमला बोला गया था। इसके बाद उन्होंने सदन में माफी मांगी है। देश भर में कराए गए ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिहार में लड़कों से ज्यादा लड़कियों में तंबाकू और सिगरेट की लत है। बता दें कि सर्वे में राज्य के कुल 35 स्कूल में पढ़ने वाले 13 से 15 साल के 3,184 छात्रों को शामिल किया गया है, लेकिन सवाल आदि से रूबरू 2,748 छात्र ही हुए। वहीं 35 स्कूलों में 4 निजी स्कूल है। सर्वे के मुताबिक 4% किशोर तो 5.4% किशोरियां धूम्रपान करती मिली। अमेरिका में सियासी पारा चढ़ने लगा है। देश में अगले साल होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव से पहले हाल ही में हुए स्टेट और स्थानीय स्तर के चुनाव हुए। अब इन चुनावों के नतीजे का ऐलान होने लगा है। इन चुनावों में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के अमेरिकी उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी थी। इन्हीं भारतवंशियों में सबसे युवा उम्मीदवार के तौर पर लोकप्रिय वेणुगोपाल ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही भारत रियायती कीमतों पर रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली छिमाही में ही भारतीय तेल रिफाइंड कंपनियों ने रूस के सस्ते तेल आयात की मदद से अरबों डॉलर से ज्यादा की बचत की है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है। भारत अपनी कुल जरूरत का 85% से भी ज्यादा कच्चा तेल आयात से पूरा करता है। मूल्य के हिसाब से भी भारत के ट्रेड व्यापार की सूची में कच्चा तेल सबसे ऊपर है। राज्य के कई शहरों में AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के आसपास पहुंच गया है, जो कि एक चिंता का स्थिति बन गया है। बता दें कि इस खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में आज सुबह 8 बजे तक AQI 400 के ऊपर 409 दर्ज किया गया। वहीं इसके अलावा भागलपुर में 302, छपरा में 318, गया में 264, हाजीपुर में 243, मोतिहारी में 291, मुजफ्फरपुर में 293, पूर्णिया में 391, सहरसा में 320 और समस्तीपुर में 232 AQI दर्ज किया गया है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है गुड़िया कुमारी मौर्य, धनंजय कुमार, जितेंद्र कुमार ठाकुर, मोहम्मद सकीर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, नौसद अंसारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अब बिहार सरकार की किस योजना का लाभ उठा रहे हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।